कांग्रेस के सीनियर कैदीन वी हनुमंत राव और कोदंडा रेड्डी ने गांधी भवन में एक प्रेस मीट मुनाकिद की। इस दौरान वी हनुमंत राव ने कहा कि झूठे प्रोपगंडे और लोगों को गुमराह करने में बीजेपी पहले नंबर पर है। इसके अलावा कोदंडा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी इख्तदार में आने के बाद 8 साल से जज्बात की सियासत कर रही, देखिए कांग्रेस कैदीन का क्या कहना है। बीजेपी पार्टी हर चीज को पॉलिटिकल माइलेज देना चाह रही है। 1948 में जब निजाम की सरकार थी हैदराबाद में, उधर लातूर तक, इधर गुलबर्गा तक, सब जगह एक तेलंगाना स्टेट था, हैदराबाद स्टेट नाम है उसका। उस वक्त जब देश आजादी हुआ, हर राजा महाराजा जो स्टेटों में राजा थे उन लोगों को हटाने के काम करके सब लोगों को देश के आजादी में मिलाने को कोशिश करे। उसमें ही कोशिश जब निजाम को थोड़ा लोग भटका दिए, उस वक्त एक मूवमेंट चला, वो मूवमेंट में बीजेपी का कोई पार्ट नहीं है। लड़ने वाला था लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद आर्य समाज, उसके बाद कांग्रेस। जमलापुरम केशवराव कांग्रेस का पहला पद अध्यक्ष था तेलंगाना में, बीजेपी में नहीं था, आर्य समाज था। आज जो प्रधानमंत्री उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या निजाम नहीं सुन रहा, यहाँ गड़बड़ हो रहा बोल के होम मिनिस्टर को भेजा है, उसको भी अपने खाता में लिख ले रहे। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो भी क्रेडिट ले रहे। कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन है भैया? कांग्रेस का था वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने होम मिनिस्टर से आया, उसको भी अपने खाता में लिख ले रहे। और 75 इयर्स ऑफ आजादी का अमृतोत्सव में यही लोग काम करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू करा, महात्मा गांधी नहीं करा, मौलाना अब्दुल कलाम नहीं करा, मौलाना भी नहीं करा, हर आदमी करा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी करे, मगर ये भी क्रेडिट लेना चाहते। अब ये लिबरलाइजेशन में क्रेडिट लेना, बहुत हर जगह पोस्टर लगा दिए आजादी निजाम को रजाकारों को हटा दिए। तुम कहा हटाए रे? करे सवाले हम है, लड़े सवाले हम है। रामानंद तीरथ और जमलापुरम केशवराव थे, इवन पीवी नरसिंहराव भी उस जमाने में ये जो वार चल रहा था उन्होंने इनसे हटके चले गए थे, नागपुर में थे। ये हम काम करे, उस वक्त हर आदमी काम करा। निजाम को थोड़ा भटकाने वाले थे, निजाम का नियत ये नहीं था ये, मगर उनको भटकाने वाले थे। तो उस वक्त फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बुला के उनको समझाने वाले, उन्होंने खुद सरेंडर हो गए, देश में आ गए। अब इसको विमोचना दिनम बोल के एक नया, अब आखिरी में हमारी गवर्नर भी जाके फोटो एग्जीबिशन दे के उन्होंने भी कमेंट कर रहे। अब समझो, तुम समझ असल चीज देखो अम्मा, असल चीज देखो। कौन लड़े ये देखो, कम्युनिस्ट वाले लड़े और आर्य समाज वाले लड़े, कांग्रेस वाले लड़े, ये भी हमारे हाइनेस को मालूम होना चाहिए। हर चीज ग्रैब करने को देख रहे, काम कुछ नहीं करते, बनाए सो चीज खींच लेने का काम, बनाए सो को दे जाते, माल बनने के बाद ले लेते, ये तरीका है उनका। अब तो भी लोगों को दीवाना बनाने को, ये ड्रामाबाजी बंद करो। ये कब तक ऐसा लोगों का काम को अपना काम का स्टैंप डाल रहे? इससे ज्यादा नहीं बोलता, काम इंदिरा गांधी इस देश के वास्ते, गरीबों के वास्ते 20-point प्रोग्राम लाई, लैंड सीलिंग लाई, गरीबों को जमीन दी और बैंकों को नेशनल, ये हमारा काम है। नरेंद्र मोदी एक काम बता भैया, तू कोई अच्छा काम बता दो। खाली 27 मिनिस्टरों को बीसी मिनिस्टर बनाए, हम क्या करें? IIT IIM में रिजर्वेशन लाए, OBC पार्लियामेंट कमेटी बनाए, आप क्या करें भाई बताओ? एक चीज बताओ गरीबों का हित में, कॉर्पोरेट सेक्टर को देखता, अदानी अंबानी रोजाना पेपर में इसका करोड़ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 चल रहा, गरीब क्या कर रहा देखे? आप पेट्रोल बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दिए, गैस का रेट बढ़ा दिए, आखिरी में छोटे बच्चे दूध पीते उसके ऊपर बोले
मैं क्या करूंगा अब बेचारे को, शादी तो करा, बच्चे हुए तो बच्चों की तकलीफ उनको मालूम होती थी, उनको कोई ना कोई बच्चे वाले बच्चे ऐसे तीन चार बच्चे ऐसे वाले जाके समझाए तो जब उसको समझ में आता। मगर जो भी है या जो ड्रामा है, ये ड्रामा हिस्ट्री को गलत लिखने के वास्ते कोशिश कर रहे, लड़े आर्य समाज, लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस, इनका कोई, जब बीजेपी पार्टी ही नहीं था अभी, इतना बोलते। थैंक यू।